इस वीडियो में हम देखेंगे नाइकी के टॉप 5 लो टॉप स्नीकर्स, और अगर हम पहले नंबर की बात करें डेफिनेटली होने वाला है नाइकी एयर जॉर्डन 1। भाई इससे ना कोई जगह छीन नहीं सकता। सिंपल सा प्रीमियम सा आपको ब्लैक बॉक्स देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में मिलेगा चमचमाता हुआ एयर जॉर्डन 1 का लोगो, जिसे जंप मैन भी बोलते हैं। जूते को फटाफट अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर जो कलर है ना वो वन ऑफ द बेस्ट कलर है, समझ लो। अंदर में आपको बटर पेपर मिल जाएगा जहां पर भी 23 लिखा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता, 23 माइकल जॉर्डन का जर्सी नंबर था। And this is the beauty, भाई। ध्यान से अगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये स्नीकर्स का किंग है, एंड उसमें भी व्हाइट ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन। कागज को निकाल कर अगर एग्जैक्ट वेट की बात करें, डेफिनेटली बहुत हल्का नहीं लेकिन भारी भी आपको नहीं फील होगा। पूरी बॉडी आपको इसमें प्रीमियम लेदर की देखने को मिल जाएगी, सिंथेटिक लेदर का यूज किया गया है, मल्टीपल पैचेस देखने को मिल जाएंगे और आइकॉनिक यहाँ पर आपको कलर ब्लॉकिंग डिजाइन देखने को मिलेगी। फ्रंट में वेंटिलेशन के लिए होल बनाए गए हैं। नॉर्मल से आपको ब्लैक कलर के लेस देखने को मिल जाएंगे जहां पर कोई भी आपको मेटल के आईलेट्स नहीं मिलते। बड़ा सा लिटरली मैसिव साइज का यहाँ पर आपको टंग प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप ऐसे ना थोड़ा सा टंग को भी बाहर करके वो जॉर्डन का लोगो जो यहाँ पर छपा हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड, वो ऐसा फ्लैश कर पाओ, शो ऑफ कर पाओ। बीच में आपको टंग होल्डर देखने को मिल जाएगा, जैसे सारे जॉर्डन्स में होता है यहाँ पर भी फैब्रिक को ही कट करके वो होल्डर को डिजाइन किया गया है। एंड डेफिनेटली साइड में आपको आइकॉनिक नाइकी का शूज देखने को मिलेगा और बैक की तरफ मिलेगा एम्ब्रॉयडर्ड एयर जॉर्डन 1 का लोगो, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड खूबसूरत लग रहा है। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अंदर तक आपको हल्की हल्की पैडिंग चारों तरफ देखने को मिल जाएगी। और अगर इन सोल की बात करें, यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ही फोम मिलता है, हालांकि अंदर में आपको रेड कलर से जंपमैन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। आउटर सोल यहाँ पर आपको रबर का देखने को मिलता है, साइड साइड में स्टिचेस प्रॉपर दिए गए हैं और नीचे की तरफ आपको रेड कलर का इनका बॉटम सोल मिल जाएगा जहां पर नाइकी की ब्रांडिंग मिलेगी। अब ओवरऑल अगर इस जूते की बात करें, जॉर्डन्स भले ही हाइज में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन ज्यादा अगर पहनने की बात करें ना तो वहां पर आपको लोज ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आएंगे। एंड डेफिनेटली इसका ब्लैक व्हाइट एंड रेड कलर बहुत ही आइकॉनिक है। मोस्ट प्रीमियम एंड पॉपुलर शूज जितने भी रहे हैं ना, चाहे हम ब्रेड्स की बात करें या फिर लॉस्ट एंड फाउंड्स की बात करें, सब में यही कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें पीछे देख लो। ये जूता ऐसा है जिसपे ना ही कम्युनिटी, ना ही कोई लोग, ना ही ये दुनिया संदेह कर सकती है। भाई ये जॉर्डन है और इस जॉर्डन की प्राइस है 9,000 रुपए के आसपास की। ऑलराइट, नेक्स्ट नाइकी का जूता आ गया हमारे पास में, और ये है नाइकी का आइकॉनिक ओल्ड बॉक्स। यहाँ पर आपको फ्रंट में नाइकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साइड साइड में आपको चारों तरफ ब्रांडिंग मिलेगी और इसका नाम है नाइकी कोड विजन लो। हमने कई बार इस मॉडल को आपको दिखाया है लेकिन हर बार आपको व्हाइट कलर दिखाते थे। ये कलर अब तक का सबसे बेस्ट कलर मुझे लगा। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको एयर फोर्सेस बहुत ज्यादा चंकियर लगते हैं या काफी एक्सपेंसिव लगते हैं, कोड विजन्स आर बेस्ट अल्टरनेटिव। ऑलराइट, फर्स्टली अगर कलर की बात करें, यहाँ पर आपको बेज टाइप का थोड़ा कलर देखने को मिलेगा लेकिन डार्कर शेड में। फ्रंट में आपको बहुत बड़े बड़े वेंटिलेशन के लिए होल्स देखने को मिल जाएंगे, एक्सपोज्ड स्टिचेस देखने को मिलेंगे, डिटेलिंग काफी अच्छी है, मल्टीपल पैचेस देखने को मिलते हैं। बैक में आपको नाइकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और नाइकी का शूज और बैक वाला जो पैच है वो थोड़ा लाइटर शेड में यहाँ पर रखा गया है, जिसके कारण से ना एक कॉन्ट्रास्ट ऐड हो रहा है। पूरा मेश का आपको टंग देखने को मिल जाएगा, हालांकि मेश की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी स्टिफर साइड में, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगता। ऊपर में आपको नाइकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, अंदर की तरफ में कोई वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है और साइड साइड की पैडिंग, इनसोल की पैडिंग डिसेंट है, बहुत खतरनाक आपको नहीं लगेगी। अंदर अंदर तक भी आपको पैडिंग मिल जाएगी, आउटर सोल में भी यहाँ पर आपको रबर मटेरियल ही मिलने वाला है। और एग्जैक्ट अगर देखोगे ना तो ये बिल्कुल सेम जॉर्डन जैसा ही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। मतलब अगर आप दोनों जूते को साइड बाय साइड देखो तो थोड़ी मोड़ी डिजाइन में ही आपको डिफरेंस फील होगी, जबकि प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है। ओवरऑल सारे कोर्ट विजन लोज से एक थोड़ी सी ना 80s 90s टाइप की वाइब आती है और बहुत ही क्लासी सा जूता लगता है। और जो भी फैशन की चीज अगर क्लासी लगे ना तो समझ लो कि वो बहुत वेरेबल होती है। पैरों में पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। और एक चीज जान लो कि ये जूते कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं फील करवाएंगे, चाहे हम जॉर्डन्स की बात करें या कोर्ट्स की बात करें या ब्लेजर्स की बात करें। ये स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं, कंफर्टेबल होगा फील लेकिन स्पोर्ट्स शू लेवल का नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट नाइकी का जूता भाई पहुंच गया है और एकदम सेम सा ही आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा। नाम है इसका नाइकी एवरनन लो प्रेम, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये है वो स्नीकर, और आप मुझे कमेंट में बताओ कि इस स्नीकर की डिजाइन किस नाइकी के बहुत वायरल स्नीकर से मिलती है। अगेन एक बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, व्हाइट एंड ब्लैक। हालांकि दूसरी तरफ यानी इनर साइड में देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर का भी पैच मिलेगा। पूरी बॉडी अगेन आपको सिंथेटिक लेदर की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्पेसिफिकली टेक्सचर वाले लेदर यहाँ पर डाले गए हैं, थोड़े से क्रैक्स आपको पूरे जूते में फील होंगे, मल्टीपल पैचेस देखने को मिल जाएंगे। नाइकी का शूज मिलता है जो कि ओवरऑल बैक तक रैप नहीं कर रहा है बल्कि यहीं तक एंड हो जा रहा है। ये पूरा कंप्लीट करता ना तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता। पूरा आपको मेश का टंग देखने
देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में आपको एक पैच देखने को मिलेगा नाइकी का, जहां पर प्रिंटिंग का यूज किया गया ब्रांडिंग के लिए। नॉर्मल से आपको सिंथेटिक लेसेस देखने को मिल जाएंगे, अगर यहाँ पर कॉटन के लेस देते तो ज्यादा बेटर लगता। साइड साइड की पैडिंग काफी ज्यादा अच्छी, और स्पेशली इसमें जो बैक सपोर्ट है ना, ये जो कट कॉलर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट और मोर सपोर्टिव मुझे फील लगा। सपोर्टिव इन द सेंस कि जब आप पहन लेते हो तो ये ना काफी स्पेस देता है आपके एंकल को ऐसा मूव करने में। अंदर अंदर की पैडिंग भी आपको डिसेंट मिलेगी, स्नीकर वाइज काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन स्पोर्ट्स शू से कंपेयर करोगे तो आपको कम लगेगी। अंदर अंदर तक आपको पैडिंग देखने को मिल जाएगी। बैक की तरफ में यहाँ पर आपको जो पैच मिलता है उसके ऊपर में नाइकी की ओल्ड ब्रांडिंग की गई है। नाइकी का जो आप एक ऐसा शूज देखते हो ना, उसमें कई सारे वेरिएशन आए हैं, जिसके हिस्ट्री के एक पिक्चर में आपको स्क्रीन में लगा दूंगा। नीचे में आउटर सोल भी आपको वही सेम देखने को मिल जाएगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में स्टिचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी नीचे में सेम वही डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। नाइकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, डेफिनेटली काफी किलर कलर कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता के हमारे पास में सेम वही बॉक्स, और नाम है इसका वापस से नाइकी एवर्नन लो, लेकिन ये थोड़ा सा अलग डिजाइन है, बहुत अलग है। ऑलराइट, ये है एक बहुत ही क्लीन व्हाइट स्नीकर, लेकिन यूजुअली नाइकी में जब भी हम जाते थे ना, हमारे पास कोल्ट विजन्स, कोल्ट रॉयल्स और यही सारे ऑप्शंस होते थे। बहुत ज्यादा जाओगे तो आप ज्यादा एयर फोर्सेस खरीद लोगे। यहां पर एक नया ऑप्शन निकल कर आ रहा है मेरे चैनल पर, जहां पर आपको पूरा ही व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा, सिंथेटिक लेदर का पूरा अपर देखने को मिलता है, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है लेदर की, मल्टीपल पैचेस देखने को मिल जाएंगे, स्टिचेस की काफी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। व्हाइट कलर का यहाँ पर आपको शूज देखने को मिलेगा, जो कि पूरा ही रैप कर रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बेसिकली क्यों ये मैं बोलता हूँ ना कि ये जरूरी है, ये नाइकी के शूज ना पूरे एक पैच में बने होते हैं, मतलब अगर आप इसे खोलोगे ना तो वो एक पीस है जो पूरे ही जूते में ऐसा करके रैप किया जाता है, क्लीन लगता है। बैक में आपको वही नाइकी की ओल्ड ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल से आपको यहाँ पर लेस देखने को मिल जाएंगे, सेम वही मेश का टंग पैडेड, ऊपर में आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल इसका भी जो आउटर सोल है वो रबर का बना है, स्टिचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और सेम नीचे का भी वही लुक है। ग्रे कलर का यहाँ पर आपको इंसोल दिया गया है, अच्छी बात ही है, मैंने सब में नहीं मेंशन किया, इंसोल के ऊपर में ना आपको मेश टाइप के फैब्रिक की लाइनिंग मिलती है, तो वेंटिलेशन में ना वहां पर भी थोड़ा मोड़ा हेल्प हो जाता है। अंदर अंदर तक कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा है स्नीकर वाइज। एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। ये स्नीकर्स ऐसे बने ही है ना, आपकी स्टाइलिंग कभी गलत होगी ही नहीं जब भी आप इसे पहनोगे तो। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है इन स्नीकर्स को खरीदने के लिए, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। फैशन में सारी चीजें बहुत ज्यादा बहुत रैपिडली चेंज होती है, तो अगर आपके पास बजट इश्यूज है ना, तो ओवर स्पेंड कभी मत करना किसी भी चीज के लिए। 1 लाख की घड़ी खरीद ली, 10,000 का 20,000 का शू खरीद लिया, आपके पास बजट है तो खरीदो, नहीं है तो बहुत सारे सस्ते अच्छे ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, जिसे खरीद कर आप उतने ही स्टाइलिश लगोगे जितना ही नाइकी के जूतों के साथ लगना चाहिए आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में, जहां पर अगेन वही सेम बॉक्स देखने को मिलेगा, और ये जूता हमने भाई बहुत बार चैनल पे कवर किया है, नाम है इसका नाइकी कोर्ट रॉयल। ये है एक ब्लैक एंड व्हाइट खूबसूरत और नाइकी स्नीकर्स का बिगिनर स्टेज। पूरी बॉडी यहां पर भी आपको सिंथेटिक लेदर की तो देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज है यहां पर क्वालिटी में ना थोड़ी सी आपको 19-20 फील होगी। साइड में आपको नाइकी का व्हाइट कलर का शूज देखने को मिल जाएगा, बैक में आपको नाइकी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, वेल पैडेड आपको नायलॉन का टंग देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर में नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और उसके नीचे लिखा हुआ है कोर्ट रॉयल। साइड साइड की पैडिंग काफी ज्यादा अच्छी है, इनसोल में आपको वैसे कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, जो कि थोड़ी सी अजीब बात है, करनी चाहिए थी ब्रांडिंग, लेकिन हाँ सेम वही मटेरियल, सेम वही फैब्रिक सब कुछ मिलता है। रबर का यहाँ पर भी आपको आउटर सोल देखने को मिल जाएगा, जिसके साइड साइड में आपको टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे डॉटेड टाइप के, और यहाँ पर भी स्टिचेस प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे की तरफ भी आपको नाइकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। एक और चीज यहाँ पर नोटिस क्या करने वाली है, यूजुअली आप जितने भी स्नीकर्स देखोगे ना, तो ये वाली प्रोफाइल साइज ना फ्रंट वाला जो टो बॉक्स होता है वो काफी बड़ा दिखता है, वैसे होता सब में से मैं, लेकिन डिजाइनिंग के हिसाब से ये काफी बड़ा दिखता है। वही अगर आप इस जूते को देखोगे तो यहाँ पर इस चीज को ना काफी छोटा बनाया गया है, क्योंकि लेस होल्स पूरे एंड तक लाए गए हैं, तो कभी भी जूते पहनने के बाद आपका पैर थोड़ा सा आपको बड़ा सा लगता है, इन जूतों को आप ट्राई कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश।